सुरक्षा बल देश में आतंकवाद की कमर तोड़ने में जुटे हैं, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता तब मिली जब सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी रियाज नाइकू को मार गिराया। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। ऐसे में अब यह आतंकी संगठन घाटी में नए कमांडर की तलाश में जुट गया है। कहा जा रहा है कि रियाज नाइकू के ही किसी करीबी को हिजबुल की कमान दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर को लेकर दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। ये हैं आतंकी डॉक्टर सैफुल्ला उर्फ औरंगजेब और जुनैद सैरहई। कहा जा रहा है कि डॉक्टर सैफुल्ला इस रेस में थोड़ा आगे चल रहा है, उसे हिजबुल की कमान दी जा सकती है। सैफुल्ला पुलवामा जिले के मांगलपोरा का रहने वाला है। वो बुरहान वानी गैंग का आतंकी रह चुका है, साथ ही रियाज नाइकू का भी काफी करीबी माना जाता है। आतंकी डॉक्टर सैफुल्ला इन दिनों दक्षिण कश्मीर के इलाकों में बेहद सक्रिय है। वो फिलहाल A++ कैटेगरी का आतंकी है, यानी उसे खतरनाक आतंकी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। नाइकू को मारने के बाद अब सुरक्षा एजेंसी सैफुल्ला की तलाश में जुट गई है। नाइकू के कहने पर सैफुल्ला युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने की साजिश रचता था। वो मुठभेड़ में घायल आतंकियों का इलाज करने की वजह से सबसे पहले चर्चा में आया था। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की पूरी घटनाक्रम पर कड़ी नजर है और पिछले कुछ दिनों में 27 ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें 64 आतंकियों को मार गिराया गया है। न्यूज़ डेस्क।